नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फोन में स्नैपचैट ऐप को कैसे अपडेट कर सकते हैं। स्नैपचैट को भाई अगर आप यूज करते हो तो उसको भाई अपडेट करते रहना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि भाई ऐप्स के अंदर नए नए फीचर्स जो ऐड होते हैं वो हमें ऐप को अपडेट करने के बाद ही मिलते हैं। तो अगर आपके फोन में भी है स्नैपचैट और आप चाहते हो कि भाई नए नए फीचर आपके टाइम टू टाइम अपडेट होते रहें, तो भाई हर 10 दिन, 15 दिन, महीने में जब भी आपको टाइम मिले अपनी ऐप को अपडेट कर लेना है। चलिए मैं बता देता हूँ कैसे अपडेट करते हैं। जैसे स्नैपचैट ऐप मेरे फ़ोन में है तो मुझे करना क्या होगा, मुझे जाना होगा अपने फ़ोन के प्ले स्टोर के अंदर। ठीक है, प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे ही हम जाएंगे यहाँ पे देखो ऊपर हमें मिलेगा सर्च का ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको स्नैपचैट सर्च कर लेना है। ठीक है, स्नैपचैट आप ऊपर लिख दोगे, देखो यहाँ पे आ चुका है ना, स्नैपचैट को कर लेना। अब ये देखिए यहाँ पे स्नैपचैट, यहाँ पे इसके अंदर अपडेट आया हुआ है। मैंने अपडेट नहीं करा था, मैंने देख लिया था पहले ही। अब भाई मुझे वीडियो बनानी थी आपके लिए, आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि भाई कैसे अपडेट कर सकते हो। तो भाई ये होता है अपडेट, देखिए यहाँ पे लिखा रहता है। और ये जो भी ऐप्स आपके फ़ोन में सारी हैं, सभी के अंदर अपडेट्स आते रहते हैं। अगर सबको एक साथ करना है तो मेरे फ़ोन में, मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने बताया ऐप्स को अपडेट कैसे कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। भाई इस ऐप को अगर आपको, जैसे आपको प्रॉपर एक एक ऐप को अपडेट करना है, तो भाई आप उसी ऐप को सर्च करें और उस ऐप को देखें यहाँ पे अपडेट, क्योंकि इसके अंदर भाई डाटा खर्च होता है। एक साथ सारी को करोगे तो भाई उसमें आपका नेट खत्म होगा, डाटा यूज़ होगा, तो डाटा हो तो कर सकते हैं एक साथ, नहीं तो भाई आप एक एक ऐप जिसको आप यूज़ करते हैं उसको अपडेट कर सकते हैं। अब स्नैपचैट को आपको सिंपल सा यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे दबा देना है और ये आपकी स्नैपचैट अपडेट होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही अपडेट हो जाएगी भाई यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, देखिए यहाँ पे अपडेट हो रही है। तो इस तरीके से अपनी ऐप को आप अपडेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना, और अगर ऐसी आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।